हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो टॉपिक चल रहा है हमारा, वो चल रहा है प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि इन 11th क्लास देयर वाज जनरल प्रोबेबिलिटी, एंड इन दिस क्लास 12th में क्या है आपका, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्लियर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट, वो होगा हमारा रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। तो ये है क्या हमारा रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं रैंडम वेरिएबल की। आप लोगों ने अभी तक देखा होगा स्टूडेंट कि रैंडम एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में सभी ने पढ़ा है, और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब फ्रीली। और रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमने जो पढ़ा है, वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन फाइंडिंग द पर्टिकुलर आउटकम्स, यानी हमने सैंपल स्पेस फाइंड आउट किया और सैंपल स्पेस में पर्टिकुलर आउटकम्स के बारे में बात करते थे। लेकिन आज जो हम बात करेंगे, एक नंबरिंग की बात करेंगे। क्लियर। कुछ पहले एग्जांपल्स लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम वेरिएबल। चलिए मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, वी मे वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ हेड्स। और सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, टॉसिंग टू डाइस, वी मे बी इंटरेस्टेड इन द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस। क्लियर। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं, जैसे सपोज करो मैं पहला ही टॉपिक लेता हूं यहां पे कि ये कॉइन इज टॉस ट्वाइस, हम दो बार टॉस कर रहे हैं। क्लियर। अब दो बार टॉस करने का मतलब है हमारा जो इवेंट्स आएंगे, आउटकम्स आएंगे, वो HH, ST, TH और TT, चार आउटकम्स होते हैं। बट हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू फाइंड द HH, ST, TH और TT, वी मे वॉन्ट टू फाइंड द नंबर ऑफ हेड्स, कि जब हम दो बार टॉस करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ हेड्स कितने आएंगे। मे बी पॉसिबल कि हमने कॉइन को दोनों बार टॉस किया, एक बार भी हेड नहीं आया। हो सकता है कि हमारा एक दोनों बार टॉस किया तो एक बार हेड आया हो, एक बार टेल आया हो, या हो सकता है पहली बार में टेल आया हो, दूसरी बार में हेड आया हो, या हो सकता है कि दोनों बार हेड आया हो। क्लियर। तो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द नंबर्स, इज इट क्लियर। दूसरा लेते हैं, टॉसिंग टू डाइस, वी मे बी इंटरेस्टेड इन द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस। हम अगर किसी दो डाई को एक साथ थ्रो करते हैं तो हो सकता है कि उस पर सम जो निकाल रहे हैं, तो सम वन आ सकता है क्या कोई से पे? दोनों पे अलग अलग वन आ सकता है, लेकिन सम वन नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि जीरो तो कोई से पे नहीं होता। क्लियर। तो सम क्या हो सकता है हमारा, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, कहां तक हो सकता है, अगर हम मैक्सिमम ले तो 6, 6, 12 हो सकता है। क्लियर। अब बात यह आती है कि क्या ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो जरा हम ये बात करें, मान लीजिए कि एक कॉइन को हम दो बार टॉस कर रहे हैं और दोनों बार टॉस करके वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द डिफरेंस। किसमें डिफरेंस वो करते हैं, मान लीजिए डिफरेंस लेते हैं, कैसा डिफरेंस, हेड नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स। क्लियर। अब मान लीजिए टोटल सैंपल स्पेस कितना आएगा हमारा, आपको पता है HH, ST, TH और TT। क्लियर। तो अगर मैं ये लेता हूं कि x को अगर मैं रैंडम वेरिएबल मानता हूं, यहां पे रैंडम वेरिएबल क्या है, रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। कैसी वैल्यू होगी, रियल वैल्यूड। अब मैं यहां पे ये दिखा रहा हूं कि रियल वैल्यू नेगेटिव में भी आएगी या नहीं आएगी। क्लियर। तो HH ये कह रहा है नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, टू, माइनस नंबर ऑफ टेल है ही नहीं इसमें, तो जीरो कितना आएगा, दैट इज टू। मान लीजिए हम निकाल रहे वैल्यू कितनी, HT, HT का मतलब नंबर ऑफ हेड कितना है, वन, माइनस नंबर ऑफ टेल, दैट इज ऑल्सो वन, डिफरेंस जीरो। मान लीजिए हम निकाल रहे किसके लिए, TH, तो नंबर ऑफ हेड वन, नंबर ऑफ टेल वन, दैट इज अगेन जीरो। हम मान लीजिए निकालते हैं TT, कितना आएगा, नंबर ऑफ हेड्स कितना है, जीरो, नंबर ऑफ टेल कितने हैं, टू, तो कितनी वैल्यू आई, माइनस टू भी हो सकती है। क्लियर। तो इसका मतलब ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल मींस चेंज हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द रियल वैल्यूड फंक्शन। समझ में आया। तो क्या होगा, ये वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब चेंज हो रहा है। क्लियर। तो इट मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। और ये हमने देखिए कहां से दिया है, डोमेन क्या है इसकी, डोमेन हमारा क्या है, सैंपल स्पेस, यानी हमने कहां से लिया उसको, सैंपल स्पेस से लिया है। क्लियर। तो
रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज सैंपल स्पेस। कहां से लिया हमने? सैंपल स्पेस से लिया है। इज इट क्लियर? अब रियल वैल्यू, ये तो हमारा पता लग गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम वेरिएबल। क्लियर? रैंडम वेरिएबल किसी भी चीज में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द नंबर्स। इज इट क्लियर? तो हम नंबर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर? अब बात करते हैं कि रियल वैल्यू तो हमारा मिल गया, हाउ कैन वी फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो चलिए एक एग्जांपल इसी पर बेस्ड लेते हैं हम पहले यहां पे। ये क्या है हमारा एग्जांपल, देखिए जरा। पहला ही एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए इसको, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, वी मे वॉन्ट टू फाइंड द नंबर ऑफ हेड्स। तो ये तो हो गया हमारा क्या, नंबर ऑफ हेड्स। तो सबसे पहले अगर मैं मानता हूं इस क्वेश्चन को, मैं दूसरे वे में लिख लेता हूं अब थोड़ा सा, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस इफ एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो सबसे पहले बात यह आती है कि कितनी बार हम कर रहे हैं टॉस, दो बार कर रहे हैं, तीन बार कर रहे हैं, चार बार कर रहे हैं, डजंट मैटर, बट हमारा एक टॉस में प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है हेड की या टेल की, वो देखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हमारी कितनी आ रही है, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी कितनी आएगी हमारी, 1/2। क्लियर? इफ एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स, एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल एंड डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स? हो सकता है एक बार भी ना आए तो 0, हो सकता है वन टाइम आए 1, और हो सकता है दोनों बार आए तो 2। दो से ज्यादा तो नहीं आएगा अभी, क्योंकि हम केवल दो बार ही टॉस कर रहे हैं। तीन बार करेंगे तो 0, 1, 2, 3 आ जाएगा, 4 टाइम्स करेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। क्लियर? अब सबसे पहले हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि एक बार भी हेड नहीं आया है, और अगर एक बार भी हेड नहीं आया है तो इसका मतलब दोनों बार हमारा कितना आया है, टेल आया है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहली बार में टेल आया उसकी प्रोबेबिलिटी इंटू सेकेंड में टेल आया उसकी प्रोबेबिलिटी, तो कितना आएगा हमारा, दैट इज 1/2 इंटू 1/2, दिस इज 1/4। क्लियर? अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 के लिए। इसका मीनिंग क्या है कि हो सकता है पहली बार में हेड आया हो, दूसरी बार में टेल आया हो, या उल्टा भी हो सकता है कि पहली बार में टेल या दूसरी बार में हेड, तो इसको भी इसी तरह से लिख सकते हैं। तो चाहो तो डायरेक्ट लिख दो 1/2 × 1/2 + 1/2 × 1/2, तो दैट इज 1/4 + 1/4, तो 2/4, और 2/4 का मतलब हो गया 1/2। क्लियर? अब बात करते हैं x इक्वल टू 2 के लिए। x इक्वल टू 2 का मतलब दोनों बार हेड आया है। अब दोनों बार हेड का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ h, x अब की बार दोनों बार हेड है, तो इट मींस 1/2 × 1/2, तो इसका मतलब कितना हो गया, 1/4। तो प्रोबेबिलिटी तो हमने निकाल दी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपको अब एक टेबल बनानी है, टू रोज, यहां x आएगा और यहां पे px आएगा। x का मतलब जो हमारा रैंडम वेरिएबल था, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हमारी कितनी थी, 0, 1 और 2। क्लियर? उसके बाद हमारा px यानी प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, प्रोबेबिलिटी हमारी 0 के लिए कितनी थी, 1/4, 1 के लिए 1/2, 2 के लिए 1/4। समझ में आया? अब इसका मीनिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने स्टूडेंट 11th क्लास में पढ़ा था एक टॉपिक, कि विच वन इज द वैलिड असाइनमेंट।
आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की ऐसी टेबल दे रखी थी और ये बताना था कि वो वैलिड असाइनमेंट है या नहीं है। तो इसी प्रकार ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कोई दिया हुआ होगा, आपको बताना है कि इज इट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट। तो वो कैसे बताओगे आप, ये वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अपॉन में भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, रियल वैल्यू होगी ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो वो वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है, बट प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, इट मींस नॉट लेस देन जीरो एंड नॉट मोर देन वन। किसी की भी प्रोबेबिलिटी जीरो से कम नहीं हो सकती और वन से ज्यादा नहीं हो सकती, क्लियर। उसके बाद इन सभी की प्रोबेबिलिटीज का सम वन भी आना चाहिए। तो क्या मतलब हुआ कि जीरो से यानी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, जीरो से कम नहीं होनी चाहिए, वन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सभी का सम वन भी होना चाहिए। तो दैट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लेंगे, एक दो एग्जाम्पल्स यहां से अभी पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया 2/4, दैट इज 1/2 प्लस 1/2 दिस इज 1। तो किसी की भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं है, वन से ज्यादा नहीं है और सभी का सम वन भी आ रहा है। तो ये है आपका रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जांपल लेते हैं और, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट इन 3 throws ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। देखिए सबसे पहली बात यहां की, यहां पर क्या मान रहे हैं, किसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, नंबर ऑफ डबलेट्स के लिए। अगर मैं नंबर ऑफ डबलेट्स को रैंडम वेरिएबल मान लूं एक्स, तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी, कितनी थ्रो कर रहे हैं हम, 3 throws, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि जब तीन बार हम डाई को, पेयर ऑफ डाई को यानी दो डाई को एक साथ थ्रो कर रहे हैं और तीन बार कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि कोई सी बार में भी डबलेट ना आए। तो इसका मतलब एक्स की पॉसिबल वैल्यू 0, हो सकता है एक बार डबलेट आए दो बार ना आए, हो सकता है कि दो बार आए एक बार नहीं आए, और हो सकता है कि तीनों बार डबलेट आ जाए, क्लियर। अब देखते हैं कि पहले डबलेट के लिए आता क्या है, सैंपल स्पेस क्या होगा डबलेट के लिए, 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4, 5 5 और 6 6, तो ये हमारे डबलेट हो सकते हैं, क्लियर। तो डबलेट के लिए अगर मैं डी मान लूं, तो डबलेट के लिए डी मान लिया हमने, ठीक है। उसके बाद डबलेट है कितने टोटल, 6, तो डबलेट आने के लिए हो जाएगा 6 और अपॉन टोटल कितना होगा, टोटल कितना होगा हमारा 6 है। तो डबलेट में देखिए एक ही बार की बात कर रहे हैं, तो 36 आएगा, इसका मतलब 1/6 हो गया। और नॉन डबलेट के लिए मैं एन मान लेता हूं, मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा इसके लिए, 1 - 1/6 कर दीजिए, दैट इज 5/6। तो यानी डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और डबलेट नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, क्लियर। अब हम सबसे पहले निकालते हैं एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डबलेट, यानी एक बार भी डबलेट नहीं आया है, तो इसका मतलब क्या होगा, डबलेट ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, दैट इज 125 अपॉन 216, क्लियर। उसके बाद लेते हैं हम पी एक्स इक्वल टू 1 के लिए, एक्स इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, एक डबलेट और दो नॉन डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डबलेट एंड 2 नॉन डबलेट, क्लियर। तो इसका मतलब हो गया हमारा एक डबलेट आया दो नॉन डबलेट आई, या एन डी एन प्लस पी एन एन डी, यानी हो सकता पहली बार में डबलेट आ गया दो बार में नहीं आया, हो सकता दूसरी बार में डबलेट आए, हो सकता तीसरी बार में डबलेट आए, तो कितना आएगा यहां पे, डी का मतलब 1/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 प्लस 5/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6 प्लस 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6, तो कितना आएगा, 5 5 25 25 और 25 25, तो कितना हो जाएगा हमारा 75 अपॉन 216, क्लियर।
इसी प्रकार अगर मैं अब एक्स इक्वल टू टू के लिए निकालूं, ये दिखाई दे रहा है यहां तक, ये दिखाई दे रहा है यहां पे सभी को, तो इसका मतलब टू डबल एट एन वन नॉन डबल एट, तो किसका, इसका मीनिंग क्या हुआ, बस इसमें उल्टा कर दीजिए, तो इसका मतलब डी डी एन प्लस पी डी एन डी प्लस पी कितना एन डी डी, तो तीन आ जाएंगे, या इसमें सीधा इसमें ही लिख दीजिएगा, जहां एन है वहां डी लिख दीजिएगा और जहां डी है वहां एन आ जाएगा, तो ये तीन इसी प्रकार आ जाएंगे, क्लियर। तो इसका मतलब ये भी सेम यही आ जाएगा लगभग, कितना d का मतलब 1 बाई सिक्स इंटू 1 बाई सिक्स इंटू 5 बाई सिक्स प्लस 1 बाई सिक्स इंटू 5 बाई सिक्स इंटू 1 बाई सिक्स प्लस 5 बाई सिक्स इंटू 1 बाई सिक्स इंटू 1 बाई सिक्स, क्लियर, यहां पर आ जाएगा, क्लियर। तो कितना आएगा देखिए, 5 बाई 216, 5 बाई 216 और 5 बाई 216, तो कितना आ जाएगा ये, यानी x इक्वल टू 2 के लिए कितना आया हमारा 5, 5 और 5 यानी 15 बाई 216, ठीक है। इसी प्रकार अगर अब हम x इक्वल टू 3 के लिए निकालें, तो इसका मतलब कितने 3 डबल एट के लिए, यानी तीनों बार डबल एट्स आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा डी 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 आ जाएगा, क्लियर। तो कितना 1 बाई सिक्स इंटू 1 बाई सिक्स इंटू 1 बाई सिक्स, तो कितना आ गया हमारा 1 अपॉन 216, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी तो हमने निकाल ली, अब इसको एक टेबल के रूप में दिखा दीजिए, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ये x हो गया, ये हमारा पी एक्स हो गया, तो x इक्वल टू 0 1 2 और 3, 0 1 2 3, तो 0 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी 125 अपॉन 216, 1 के लिए 75 अपॉन 216, 1 के लिए हो गया, 2 के लिए कितना आया 15 अपॉन 216 और 3 के लिए कितना आया 1 अपॉन 216। जरा देखिए इनको ऐड करें, सबसे पहले क्या है कि प्रोबेबिलिटी किसी की भी नेगेटिव नहीं है और 1 से ज्यादा नहीं है, सभी की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। उसके बाद ऐड करें, अगर 125 प्लस 75 200, 215 प्लस 1 216 अपॉन 216, तो दैट इज 1। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ डबलेट इन थ्री थ्रोज ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। ये एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग ए रैंडमली सिलेक्टेड स्कूल डे, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स कैन टेक द वैल्यूज एक्स हैज द फॉलोइंग फॉर्म वेयर के इज सम अननोन कांस्टेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स 0.1 इफ एक्स इक्वल टू 0, के एक्स इफ एक्स इक्वल टू 1 और 2, k into 5 minus x if x equal to 3 or 4 and 0 otherwise. Then find the value of k. What is the probability that you study at least 2 hours, exactly 2 hours and at most 2 hours. So, dekhiye, this form can be written as x and px. Agar main is tarah se isko likhun, to x ki value 0, 1, 2, 3 or 4 tak hai. 0 के लिए कितनी है प्रोबेबिलिटी 0.1, 1 के लिए कितना है 1 इंटू एक्स यानी 1 इंटू के यानी 1 के आ जाएगा, 2 के लिए 2 के आ जाएगा, क्लियर। 3 और 4 के लिए आएगा तो 3, 5 माइनस 3 कितना हो गया दैट इज 2, 2 के और 4 के लिए 5 माइनस 4 यानी के, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, क्लियर। तो अब आपको मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब किसी की भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं होगी, मोर देन वन नहीं होगी, और सभी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब सम ऑफ ऑल पी एक्स आई इक्वल टू
वन, तो इसका मतलब कितना होगा 0.1 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस के इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 2, 2, 4, 1, 5 और 1, 6k इक्वल टू, ये इधर पहुंच जाएगा तो 1 माइनस 0.1, तो कितना आ जाएगा ये 0.9, तो इट मींस k इक्वल टू आ जाएगा 0.9 अपॉन 6, पॉइंट हट जाएगा एक जीरो नीचे आ जाएगी, तो कितना आएगा 3, 3 या 9, 3, 20, तो इसका मतलब k की वैल्यू हमारी कितनी होगी 3/20, तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया, k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3/20, चाहो तो इसको पॉइंट में लगा सकते हो, तो कितना आ जाएगा ये कितना 0.15 आ जाएगा, क्योंकि ये सारा पॉइंट में दिया हुआ है इसलिए हम पॉइंट में यूज कर लेते हैं। तो पहला आंसर हमारा k की वैल्यू मिल गई, k की वैल्यू हमारी कितनी है 0.15। अब पहला पार्ट यहां, दूसरा जो बी पार्ट है हमारा वो कह रहा है यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स, एटलीस्ट 2 आवर का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का मतलब 2 और 2 से ज्यादा, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस x इक्वल टू 3 और प्लस x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 2 का मतलब क्या है हमारा 2k प्लस 3 के लिए भी 2k और प्लस 4 के लिए k, तो दैट इज 2, 2, 1, तो इट मींस 5k, तो 5 इंटू k की वैल्यू रख दीजिए कितनी आएगी 0.15, तो इसका मतलब दैट इज 0.75, क्लियर। अब ये हमारा इसमें भी फर्स्ट पार्ट हो गया एटलीस्ट 2 आवर्स, अब लेते हैं एग्जैक्टली 2 आवर्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 आवर्स का मतलब x इक्वल टू 2 के लिए निकालना है सिर्फ, और 2 का मतलब हुआ कितना 2k, और 2k का मतलब हुआ 2 इंटू 0.15, तो दैट इज 0.30, ठीक है। अब थर्ड पार्ट क्या है एट मोस्ट 2 आवर्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, और ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस x इक्वल टू 1 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 0 का मतलब कितना है 0.1, x इक्वल टू 1 का मतलब k और 2k का मतलब 2k, तो k प्लस 2k, तो ये हो गया 0.1 प्लस 3k, क्लियर, और 0.1 प्लस 3 इंटू k की वैल्यू रख दीजिए कितना था 0.15, तो कितनी आ गई हमारी इसकी वैल्यू 0.1 प्लस 53 0.45, तो ये आ जाएगा 0.55, क्लियर स्टूडेंट। ये था हमारा टॉपिक रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब इसके बेस पर हम एक्सरसाइज 13.4 करेंगे और वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।